हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाई किया जाता है यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। रूल है हमारा कि अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो ज़ीरो आएगा, एक्स को ऐड करेंगे ज़ीरो से तो एक्स आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो एक्स आएगा, एक्स को ऐड करेंगे वन से तो वन आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स को एक्स को ऐड करेंगे एक्स से तो भी एक्स आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट से तो ज़ीरो आएगा, एक्स को ऐड करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट से तो वन आएगा, एक्स को वाई से ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा वाई को जब हम ऐड करेंगे जेड से, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो बराबर होगा वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो दोनों बराबर होगा हमारा। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड से तो वो बराबर होगा जब हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे जेड से। तो सिंपली हमारे लिए एडिशन के लिए भी यही है, जब हम एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जी, और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जी है, बट यहाँ पे हम पहले एक्स और वाई को ऐड करेंगे देन जेड से प्लस करेंगे उसको, और यहाँ पे पहले हम वाई और जेड को प्लस करेंगे देन जो हमारा आंसर आएगा उसको एक्स से ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है। एक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स को फिर हम करेंगे जेड से मल्टीप्लाई तो एक्स जेड हो जाएगा। डी मॉर्गन्स रूल, इसमें एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब एक्स और वाई के बीच में हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये चेंज आएगा प्लस में, और जो एक्स है और वाई है उन पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा है x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, और देन दोनों में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये हो गया x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है, अगर हम x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारा x आता है, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y बराबर होता है x प्लस y के, x कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट बराबर है हमारा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है बुलियन अलजेब्रा का यूज़ करके, तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा बी कॉमन आ रहा है, बी यहाँ पे बी यहाँ पे बी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी, तो हमारा बचा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। अब इसके अंदर हमारा ए कॉमन आ रहा है तो बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे ए लिखा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब हमारा जो रूल था उसमें था अगर हम एक्स को ऐड करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट से तो वन आएगा, सेम हमारा यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट को सी से ऐड करेंगे तो वन आएगा, तो बी ये हो गया हमारा, ये आ गया। और अगर हम एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, ये भी रूल था हमारा, तो बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, सेम रूल अगेन हमारा, ये वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ऐसे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे देन वन से, सेम बी वाला रूल, तो हमारा आ जाएगा बी। तो हमारा एक्सप्रेशन सिंपलीफाई होने के बाद ये आ गया। तो इसी तरह हम एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हैं यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।